मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि हम उसमें कुछ प्राविधान समाज के लिए राज्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर इसमें बहुत जल्दीबाजी की गई है, क्योंकि अगर हम केंद्र की इंतजार करते कि इसको केंद्र लाता तो ज्यादा अच्छा होता। अनुच्छेद अगर 254(1) भी अगर हम पढ़े उसमें भी साफ लिखा है केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होने केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराहट होने के कारण देश का कानून ही इसके ऊपर रहेगा। फिर भी इस सबको जानते हुए अनुच्छेदों को हम की अवहेलना करते हुए हम इसको उत्तराखंड के अंदर अपने राज्य के अंदर ला रहे हैं, जबकि 2015 में ला कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट जब मनमाफिक नहीं आई तो उसके बाद यह भी समान नागरिकता समान के लिए ही था। उस समय का जो ला कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी इसीलिए की लाई गई थी, पर अनुच्छेद 44 का की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। उसमें जो अधिकार दिए गए हैं पूरे देश के अंदर लागू होने चाहिए उसको खाली राज्य के अंदर लागू किया गया है। इससे लोगों के अंदर निश्चित रूप से भावना आएगी इसमें कानूनी राय की आवश्यकता है, और बहुत जल्दीबाजी में लाया गया। अगर जल्दीबाजी में नहीं लाते और इसका समय मिलता, प्रवर समिति को अगर ये सौंप दिया जाता बिल, तो इसका अध्ययन होता, चाहे बजट सत्र आने वाला है शाहबानो केस का, और सब लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और केंद्र सरकार ने उस समय कांग्रेस की सरकार ने संविधान में परिवर्तन करके उसको लागू नहीं किया। अब ये तो समय समय में संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं, किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था और कहा था कि वहां पर राज्य सरकार को ही सारे अधिकार प्राप्त हैं, राज्य सरकार ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है अधिकारियों के सब कुछ, तो केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई, उसने संविधान के अंदर संशोधन किया। तो इस बात को कहना, कोई ऐसी सरकार नहीं है केंद्र के अंदर, चाहे जितनी भी अब तक सरकारें रही हों, उन्होंने संविधानों में समय समय पर संशोधन किए हैं, तो खाली एक ही बात को कहना तो ये बात ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, इस पर व्यापक चर्चा हो, बैठकें हों, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं बुलाया गया, ना ही हमारे नेता प्रतिपक्ष को, जबकि नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का सबसे मजबूत नेता होता है, पार्टी का नेतृत्व करता है अपने दल का, उसको बुलाना चाहिए था, बुलाकर उससे इसके ऊपर विचार लेने चाहिए थे, उनको निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए था, जो कमेटी हमारी बनी थी देसाई जी की, रंजना जी की अध्यक्षता में, विधायकों को भी बुलाना चाहिए था। खाली अखबारों में दे देना, विज्ञापन दे देना कि हम सुनेंगे आकर बताएं, अगर जनप्रतिनिधि भी विज्ञापन पढ़कर जाएंगे, उनको विधानसभा के सदस्य हैं, कल को विधानसभा में आता और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी थी तो पटल पर आता, तो उससे पहले कम से कम विधायकों की राय ली जाती, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता कि आप भी अपनी पार्टी के अपने दल की राय को रखें, पर नहीं बुलाया गया। अभी कल भी हमारे साथियों ने कहा कि नहीं, वो तो अखबारों में था, पढ़ा नहीं, और भी कई सारे जिक्र किए, हमारे साथी ने भी ये बात कही कि साहब वो बच्चे जो है एक ही परिवार, सारे परिवार को, बच्चों को, लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। अच्छी बात है, अधिकार मिलने चाहिए, लड़कियां भी हमारी बराबर हैं, बहनें भी हैं हमारे परिवारों की, पर उसमें ठीक है, पर इस पर विचार करना पड़ेगा कि जब लड़की हमारी जब ससुराल चली जाती है, हम उसकी जब शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद जब वो जाती है तो क्या शादी करने के बाद उसके ससुराल वाले उसका उत्पीड़न नहीं करेंगे? इसमें क्या व्यवस्था है? कल को कहेंगे कि जाइए, उसको तंग करेंगे अपना परिवार से। पहले भी आदमी जब व्यक्ति शादी करता है तो सब बहुत कुछ देता है अपनी लड़की के लिए, बहुत कुछ करता है उसके लिए, और उसके बाद भी अगर उसको पीड़ित होगी, वो उसको कहा जाएगा कि जाओ संपत्ति में से हिस्सा लेके आओ, बराबर कहा है, कोर्ट कचहरियों के केस बढ़ेंगे, इसको कौन देखेगा? इसका उसमें उनके अधिकारों को कहीं भी सुरक्षित रखने की कोई बात नहीं की गई। तो इस तरह के बहुत सारी खामियां हैं जिनका अभी जिक्र हम लोग सब कर रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि इसके विरोध में पास नहीं होना चाहिए, पर हम इतना जरूर कहना चाहते हैं इसको पास कराने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाए। कल हमारे भगत जी तो भी आए नहीं, कल कुछ कह रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता,
भगत जी होते तो मैं भी आज कुछ उनके बारे में कहता, क्योंकि जब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने, जब राज्य की स्थापना हुई, तब भी उनको रोक दिया गया मंत्रिमंडल से। बाद में फिर उनकी शपथ हुई, स्वामी जी ने रोका और फिर कोश्यारी जी ने बाद में शपथ कराई। तो उनकी शपथ कई बार लटकती रही, कई बार वो दिल की बातें मुझसे कहते थे कि बेहड़ जी क्या हो रहा है ये, और अब भी उनके साथ यही हो रहा है। अगर यहाँ होते तो फिर मैं उनको कुछ और भी चीज़ें बताता। खैर, हमारी दोस्ती है उनसे, वो कुछ कह सकते हैं। कल उन्होंने मुझसे कमेंट्स किया था, उनको दोस्ती के नाते अधिकार है। पर मैं इतना ही कहते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। आप इसके अंदर जरूर, हम लोगों ने जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन आपको दिया, उसको आप स्वीकार करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, समान नागरिक संहिता पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे साथी विधायक ने भी कहा कि परिवार समिति को जाना चाहिए, हम भी इसका कोई विरोध में नहीं, लेकिन इसको हमें समय पूरा मिलना चाहिए था अपनी बात रखने का, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा पूरे उत्तराखंड का मैटर है और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। समिति ने राय ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी विधायक, सत्ता के विधायकों से ली हो तो बात अलग है, लेकिन हमसे किसी विधायक से राय नहीं ली गई। या क्या आप इसमें चाहते हैं, क्या संशोधन चाहते हैं? तो इसलिए इसके लिए अगर हमें समय भरपूर मिलता, कल भी हम यही कह रहे थे कि आप हमें समय दीजिए इसको पढ़ने का, क्योंकि इतनी तरक्की से अगर हम पढ़े होते कि हम दो घंटे में सब कुछ पढ़ सकते, तो शायद हम फिर विधायक ही नहीं होते, कुछ और होते, फिर उधर कॉर्नर में बैठना पड़ता ना, फिर ज़्यादा पढ़ लेते। तो हम कम पढ़े इसलिए तो यहाँ पढ़े, तो हमें समय तो पूरा देते। अब हमें समय पूरा मिला नहीं, तैयारी पूरी करी नहीं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे समय भरपूर मिलना चाहिए। अब जैसे इसमें, अब मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें आपने स्पष्ट लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा। जब संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में होगा तो अनुसूचित जनजाति इससे वंचित कैसे होगी? नीचे लिख दिया कि अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं होगी, तो संपूर्ण उत्तराखंड में फिर कैसे लागू हुआ? नहीं, मेरी बात जवाब नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं कि ये जो त्रुटि है इनका इसमें लिखने में, तो ये चीजें हम भी बता सकते थे। जैसे अभी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपने दिया कि पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह हो सकता है, पति या पत्नी या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुनर्विवाह पति पत्नी तो करेंगे, जो पुनर्विवाह उन दो में विवाद है, एक तो करेगा नहीं, अकेला कैसे कर लेगा? नहीं, इसका पढ़वाइए आपके से हकीकत में, आप अर्थ, मैं क्या कह रहा हूं, एक बात सुनिए, पुनर्विवाह होगा तो पति पत्नी में होगा ना, पति या पत्नी का तो नहीं होगा, एक का तो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अब जैसे हमारे हर धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है कि किसी हिंदू महिला का पति अगर स्वर्गवास हो जाता है तो कुछ दिन 13 दिन तक, 13वीं तक शोक रखा जाता है, मुस्लिमों में 40 दिन या तक रखा जाता है। अब उनके 40 दिन के पे तो बैन है, हिंदुओं के 13 दिन पे बैन क्यों नहीं है? तेरहवीं होती है हमारे यहाँ, नहीं तो लिखा तो उनके भी नहीं है, ये कहीं संविधान में लिखा, कहाँ लिखा बताइए। अब जैसे अभी मैं बता दूं, अभी दो घटना हमारे यहाँ उत्तराखंड इनमें घटी, कल हमारे सुबोध उनियाल जी आए उनके सिरमुंडे हुए थे, और हमारे भाई आए हैं तो इनके सिरमुंडे नहीं है, ये हमारी अपनी परंपरा है हर धर्मों की। तो इसमें अगर कोई इद्दत रख रहा है तो इसका संविधान से क्या लेना देना, कि अगर वो इद्दत करेगी तो उस पर संविधान लागू हो जाएगा। भाई वो उसका शोक है, वो 40 दिन रखे, 50 दिन रखे, 30 दिन रखे, वो अपने पति के शोक में रख रही है, कोई उस पर दंड नहीं है। कुछ चीजें, मेरा मतलब कहने का आग्रह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सत्ता विपक्ष के विधायकों से भी राय ली जाती तो मैं समझता हूं कि ये और विस्तार से लागू हो सकता था। अब वजह क्या है कि आनंद फानंद में लाए हमारे कल, क्योंकि इस पर तो चर्चा कम की, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मंदिर का बहुत जिक्र किया कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात, हम भी कह रहे बना अच्छी बात, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे राम जो सांवले थे, काले नहीं थे, अब उन्हें काला कर दिया। हमारे ग्रंथों में जो विचार है
अच्छा चश्मा दूसरा बनवा लूंगा तो, लेकिन आप भी तो देख लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं नहीं आपने करा कि इसकी तारीफ तो करी नहीं, कल उस पर गए ना, तो कुछ चीजें हैं। अब जैसे श्री राम मंदिर का बनने का लिया आपने, कल को वहां मस्जिद बनेगी सीताराम पे, मैं सियाराम बोलता हूँ, हाँ जय सियाराम और राम राम बोलता हूँ। राम देखिए, राम राम शब्द 108 बार का मायनक है पूरा, तो मैं तो राम राम बोलता हूँ। अरे तो मैंने कब कहा राम नहीं है, तो वो अंतिम में बोला जाता, वो अंतिम में बोला जाता किसी पूजा। माननीय अध्यक्ष जी, एक वोटों की खातिर या तुष्टिकरण की खातिर मैंने कल कहा कि कितना दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है, यूसी से तभी आ जाता, और आज भी माननीयवर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में। ठीक है, वोटों की खातिर आप सब कुछ करिए, लेकिन मैं टिप्पणी करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, टिप्पणी करी क्या भगवान श्री राम पे, ऐसा मत करिए, काला कर दिया भगवान राम को पहले, मेरी बात कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं आप, चाह रहे हैं श्री राम को काला कर दिया, कह रहे हैं कि शब्द बोलने का कोई, आप ये बताइए मान्यवर, ये मान्यवर नहीं हमारा कोई ये काला काला और सांवला क्या होता है, सांवले को काला कर दिया भगवान राम को, काला कर दिया इसलिए ऐसा नहीं, वोटों की खातिर कुछ भी बोलिए, राम राज्य लाना चाहते हो, अच्छा बात पूरे देश में आपके बारे में यही टिप्पणी फिर लोग करें, राम राज्य लाना चाहते हो, तुष्टिकरण की राजनीति ही सिर्फ करना चाहती है कांग्रेस, राम राज्य लाना चाहते हो नहीं है क्या, सबके साथ न्याय करोगे भाई साहब, कैसी बात, राम राज्य तभी तो आएगा सबके साथ न्याय, श्री राम की बात कर रहे हैं कल, सियाराम और पता नहीं क्या क्या आप कह रहे थे, तो सियाराम कह रहे हैं सभी, सीताराम कह रहे हैं सियाम, माता जानकी के नाम है टिप्पणी, सियाराम ने दर्शा दी ये इस प्रकार की, सियाराम नाम से ये आप सियाराम राष्ट्र में कोई भी कार्यकर्ता, आप माता जानकी का नाम लेने में अपमान समझते हैं, बताइए आप, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं भगवान श्री राम काले हो गए, मैंने कहा ये कैसे कह सकता है भगवान श्री राम काले हो गए, ये तो मूर्ति है, मूर्ति गलत है, आस्था के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये टिप्पणी बहुत गलत है, ये आस्था की बात है, इस बात को भगवान राम के रंग के बारे में कैसे नहीं कह सकते, सदन को गुमराह करना चाहते हैं, विवाद आपने किया, नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले आपने कहा, इससे पहले तिलकराज बेड़ जी ने साहबानो कांड के लिए कहा, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो भी तुष्टिकरण के कारण संसद के अंदर वो बिल लाया गया था, सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, कोई कारण नहीं था सामान्य कांड का, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, तुष्टिकरण के कारण कुछ लोगों के दबाव के कारण संसद बुला के उस कानून को बदला जाता है, तो मैंने नहीं बोला, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में तो ये आप सैनिक धर्म के लिए नहीं लाए, धर्म की बात नहीं है, ये नहीं सुना, मैं पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त नहीं करेंगे क्या, हिंदू में सम्मान नहीं होता, इस बात को बोलिए ना, बोलिए इस बात को, और क्या चाहते हैं, ये सब बोलते हैं, मतलब क्या सोच सकते हैं भगवान श्री श्री राम के गुस्से में कहा जाता, बता मांगा जाता श्री राम गुस्से में, किसने गुस्से में लगाते, जो भी नारा लगाता श्री राम गुस्से में लगाता, पड़ोसी को जय श्री राम, विषय नहीं है, आप गलत जगह मत लीजिए ये बात को, ये घमंड का विषय नहीं है, आस्था का विषय नहीं है, ये घमंड का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है, तुम्हारे पे आस्था होती है भगवान श्री राम को काला नहीं कह सकते थे आप, किस पर आपने कहा भगवान श्री राम काले, हमने कर दिया, तुमने कर दिया, हमने तुमने बनाए, सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोटों की खातिर, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोट चाहिए आपको, सिर्फ वोटों की खातिर आप भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलेंगे, माननीय मंत्री जी बैठे,
आप अपना यूसीसी पे बोलना शुरू करिए प्लीज, यूसीसी पे बोलिए। चलिए यूसीसी में बोलने के पास इनके पास कुछ है नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जोशी बात को घुमा के यूसीसी के विरोध में बोलना चाहते हैं। बैठिए माननीय मंत्री, बोलिए। मैं जवाब देंगे आपको, कहा हम जवाब देंगे, बोलिए बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलिए, काले हो गए क्या? ये शोक का विषय है, एक महिला का आस्था का विषय, एक धर्म के लिए। तो क्या अगर कोई लाना था तो हिंदुओं में क्यों नहीं है? हमारा मन करेगा तो हम 40 दिन शोक मना सकते हैं, 13 दिन मना सकते हैं, 11 दिन मना सकते हैं, बरसी भी मना सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों की इज्जत के लिए रखा गया भाई, वो हमारी उन महिलाओं की अपनी मान्यता है। थोड़ा शांत रहिए, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। तो ऐसी चीजों को कानून में लाना ठीक नहीं। पुनर्विवाह ठीक है भाई, हम भी इसको कोई विरोध नहीं कर रहे। ये जो कल से बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हमने किसी कांग्रेस के विधायक ने विरोध किया? कहीं किसी मंच पे विरोध किया? किसी चैनल पे विरोध किया? लेकिन हम चाहते हैं कि जब समान है तो समानता तो लाइए। एक तरफ तो कह रहे हैं उत्तराखंड में समानता हम ला रहे हैं, एक तरफ एक जाति को हम अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो या तो सीधा सीधा कहो कि हम एक धर्म पे ला रहे हैं, हम दूसरे धर्म पे नहीं लाना चाहते। आदेश जी, गोपाल सिंह राणा जी से पूछ ना, मैं लाना है कि नहीं लाना? मैं तो इनके सामने कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे इसकी कोई दिक्कत नहीं मानिए। एक बार क्या उनके परिवार में महिलाओं को दिक्कत नहीं होगी? आस्था तो उनकी भी होगी। अगर इन महिलाओं को दिक्कत थी तो उन महिलाओं को भी दिक्कत होगी। तो अगर कानून है तो सबके लिए हो। मेरा ऐसा पुरुष है, इनकी महिलाओं से पूछोगे तब पता चलेगा ना। अरे मेरा झगड़ा थोड़ी है, ये तो पुरुषों का मैटर भाई, महिलाओं की बात हो रही ना, क्योंकि महिलाओं के लिए है बिल मेन, तो पुरुषों के लिए है ही नहीं ज्यादा इसमें। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए और इस पर जिससे विचार समय मिल जाएगा और जो इसकी त्रुटि वो दूर कर दी जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, जो संसदीय कार्य मंत्री जी क्यों परेशान है, गुस्से में है, इनको उम्मीद थी कि कांग्रेस के लोग विरोध करेंगे, वेल में आ जाएंगे, तो इसका फायदा मिलेगा। अब हम लोग तो विरोध कर रहे हैं, हम तो प्रवर समिति की बात कर रहे हैं, इसलिए परेशान है कि हम लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाई प्लानिंग फेल हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। यूसीसी जो पिछले 2 सालों से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, पिछले कुछ दिनों से और मीडिया की सुर्खियां बनाई गई, हर व्यक्ति पूरे प्रदेश में देश में ये सोच रहा था कि यूसीसी आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून, कुछ ऐसा आएगा कि जिसमें कुछ समानता दिखाई देगी, कुछ नया होगा, कुछ नए नियम जोड़े होंगे जिसके लिए उत्तराखंड को याद किया जाएगा। और हम भी सोच रहे थे, 20 महीने लग गए, 182 पेजों का ड्राफ्ट है, इसके अंदर कुछ तो होगा। सरकार ने कहा 2 घंटे में चर्चा शुरू होगी, तो सबने जितना पढ़ सकते थे पढ़ा। चलो भाई, आपका धन्यवाद है कि आपने हमें 10-12 घंटे पढ़ने के लिए दे दिए। तो सबसे पहले शादी रजिस्टर्ड, बड़ी बात कही गई भाई, यूसीसी में अब आ गए हैं, शादी रजिस्टर्ड होगी। तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि शादी तो 2006 से रजिस्टर्ड हो रही है, भारत के संसद में 2005 में ये बिल पारित हो गया कि भाई जो भी शादी होगी वो रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इसमें नया क्या है? बात शादी में तलाक की करें तो 3 तलाक एक समस्या थी, वो पहले ही खत्म हो गया। तलाक में जो अधिकार पहले थे, कंपनसेशन वगैरह, वही सब है कट। फिर हमने सोचा चलो भाई शादी तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुराना ही कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर आपने कहा जी बाल विवाह, हम आयु 18 साल और 21 साल कर रहे हैं, अपनी पीठ खुद खुद थपथपा रहे हैं, मीडिया से थपथपा रहे हैं,
बाल विवाह एक्ट तो 1928 में आ गया था। 1928 में हरबिलास शारदा इसे लाए थे और शारदा एक्ट के नाम से यह जाना जाता था। पहले लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी। फिर इसमें 1949 में, 78 में, 2006 में अमिटमेंट हुए और 1978 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल कर दी गई। तो अब आप में इसमें विशेष क्या आया, इसमें विशेष क्या आया? फिर आपने कहा जी हम जो है लड़कियों को अधिकार दे रहे हैं, हम लड़कियों को पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार दे रहे हैं। 1956 से शुरुआत हुई और 2005 में संशोधन हुआ, 2005 से यह अधिकार है कि लड़कियों को उसके पिता की पैतृक संपत्ति पे अधिकार है और पिता ने जो संपत्ति खुद अर्जित करी है उसे वो किसी को भी दे सकता है, पुत्र को दे जाए पुत्री को दे, वो तो पहले से संविधान में अंकित है। मुझे तो कल संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस ड्राफ्ट को बनने में 20 महीने लग गए, कट कॉपी पेस्ट, आजकल तो कंप्यूटर में बड़ा आसान है, उसी को करने में 20 महीने का समय लग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये उत्तराखंड हो चाहे भारत हो, वो परंपराओं का देश है, वो संस्कृति का देश है, वो विविधता का देश है, वो धार्मिक मान्यता का देश है, अलग अलग धर्मों की मान्यता का देश है।